कभी कभी लाइफ में ऐसा होता है कि हम सभी का अच्छा सोचते हुए भी और सबके साथ हमेशा अच्छा करने की कोशिश करते हैं, फिर भी कहीं ना कहीं हमारे ही लोग, हमारे अपने ही हमें कहीं ना कहीं गलत या दोषी ठहरा ही देते हैं। और तो और उस समय हमें समझने वाला भी कोई ना हो या बहुत ही कम लोग हों, तो ऐसे में खुद से सवाल आता है कि मेरे साथ ही हमेशा ऐसा क्यों होता है। और ऐसे में अगर आप अपनी बात लोगों के सामने रखते हैं या अपनी सफाई देते हैं, तब भी आपको ही उनकी नाराज़गी या गुस्सा झेलना पड़ जाता है और लोगों से आपका मन मुटाव हो जाता है। अगर आप ऐसे ही चलने देते हैं, तब आज के समय में लोग आपको कमज़ोर समझने लगते हैं और आपका कहीं ना कहीं आपके ही लोग आपसे हर तरीके से फ़ायदा उठाने की पूरी कोशिश करते हैं। अगर आप शांत रहकर सब कुछ झेलने को तैयार रहते हैं, तब आप सबके लिए बहुत अच्छे हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही आप अपने हक या सच्चाई के लिए कोई आवाज़ उठाते हैं या लोगों को जवाब देते हैं, तब आप ऐसे लोगों के बीच और बुरे भी बन जाते हैं। लेकिन कोई भी इंसान हो, सबकी एक लिमिट होती है सहने की और बर्दाश्त करने की। आज के समय में हर इंसान यही सोचता है कि लोग हमें समझें, लेकिन ये बहुत ही कम लोग सोचते हैं कि हम भी दूसरों को अपने जैसे ही समझें। आज लोग अपना दर्द तो जानते हैं, लेकिन सामने वाले का नहीं। बस एक बार उनका मतलब या काम हो जाए, फिर वो ज़्यादा मतलब भी आपसे नहीं रखते। आप किसी के साथ अच्छी सोच के साथ उसका अच्छा ही करते हैं, लेकिन वही लोग आपके ऊपर कहीं ना कहीं उंगली उठाने का काम करते रहते हैं और कुछ लोग सच्चाई जानते हुए भी चुप रहते हैं। तब आप ऐसे में अकेले पड़ जाते हैं और आपको समझने वाला उस वक्त कोई नहीं होता। आपको ऐसे में अंदर से गुस्सा भी आता है, लेकिन आप बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं कि अब मैं क्या करूं या मुझे क्या करना चाहिए। ऐसे में अगर आप सामने वाले को अपनी सफाई भी देते हैं, तब भी वो इंसान आपकी बात मानने को तैयार नहीं होता, क्योंकि जो आप पर उंगली उठाते हैं, वो अपनी गलती आसानी से कभी नहीं मानते। उन्हें तो बस बहाना चाहिए कि कैसे भी हो आपके ऊपर इल्ज़ाम लगा देना, आपको दोषी और गलत ठहरा देना। परिवार हो, रिलेशन हो या आपके नज़दीकी लोग हों, ऐसे में आपको हर चीज़ देखना पड़ता है और आप यही सोचकर चुप भी हो जाते हैं कि चलो रहने देते हैं। लेकिन आपको अंदर से दुख भी होता है और साथ में कहीं कहीं गुस्सा भी आता है कि आपके सही होते हुए भी लोग आपको गलत समझने लगते हैं। आप पर कोई विश्वास नहीं करता, आपको कोई समझता नहीं। जिनके ऊपर आप उम्मीद कर रहे होते हैं, वही लोग सच्चाई जानते हुए भी चुप रहते हैं। और जो आपकी सुनते नहीं, उनके सामने अपनी सफाई देना भी कोई मतलब का नहीं होता, क्योंकि वो आपकी बात ना तो सुनेंगे और ना ही मानेंगे। ऐसे में आपको खुद को सही साबित करने के लिए और दूसरों के सामने अपनी सच्चाई लाने के लिए आपको धैर्य से काम लेना चाहिए। जल्दबाजी में आप किसी से बहस करके या सवाल जवाब करके खुद ही फंस जाते हैं और ऐसे में आप और भी ज़्यादा उलझ जाते हैं। तब आपको बस समय का इंतज़ार करना चाहिए, क्योंकि समय हर रिजल्ट, हर सच्चाई खुद सामने ला ही देता है। आपको किसी का विश्वास नहीं तोड़ना। आप जैसे पहले थे, बस वैसे ही सच्चे बने रहिए। किसी गलत लोगों के कारण खुद को गलत मत बनाइए। जो सही होता है, उसका जवाब खुद ऊपर वाला बहुत ही अच्छे से देता है, किसी न किसी रूप में। और जो लोग आपको गलत ठहराते हैं, आपको दोषी ठहराते हैं, उनकी सच्चाई एक न एक दिन सबके सामने जरूर आती है। फिर इसका उल्टा ही हो जाता है, लेकिन अभी समय आपके पक्ष में नहीं है, इसलिए आप खुद को शांति बनाए रखें और सच्चे ही रहिए। लेकिन जो भी आप पर विश्वास करते हैं, आपको समझते हैं, भले ही बहुत ही कम लोग हों आपको समझने वाले, उनसे अपनी पूरी सच्चाई एक बार ज़रूर बताएं। इससे आपके अंदर का बोझ कम होगा, साथ ही
वो लोग भी आपके साथ खड़े होंगे एक दिन, आज नहीं तो कल सच्चाई आएगी ही आएगी। इसलिए ऐसा मत सोचिए कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। दरअसल जो सच्चे लोग होते हैं, जो शांत होते हैं, उनके साथ ही ऐसा होता है। आज के समय में लोग उनको ही दबाते हैं जो शांत और सच्चे होते हैं, जो मुंह पर ही करारा जवाब दे देते हैं बिना कुछ शर्म किए या बिना कुछ सोचे। लोग उनसे ज़्यादा नहीं उलझते, लेकिन जो अपनी मर्यादा, संस्कार या किसी शर्म लिहाज में बंधा होता है, उसी के साथ लोग ऐसा करते हैं, क्योंकि वो लोग इसको कमजोरी समझकर इसका भरपूर फायदा उठाने की पूरी कोशिश करते रहते हैं। लेकिन ये भूल जाते हैं कि सच्चे लोगों के साथ हमेशा ऊपर वाला होता है। आज नहीं तो कल जब सच्चाई सामने आएगी, झूठे और गलत लोग कहीं के नहीं होते, न तो फिर इनके ऊपर कोई विश्वास करता, ना ही उनकी कोई बात मानता। लेकिन जब तक समय गलत लोगों का साथ देता है, तब तक तो गलत और झूठे लोगों की चारों तरफ जय जयकार और तारीफ होती है। लोग उनके साथ होते हैं, उनकी बात सुनते हैं, लेकिन जैसे ही समय बदलता है, तब ऐसे झूठे और गलत लोग जो दूसरों के ऊपर उंगली उठाते रहते हैं, दूसरों को गलत साबित करते हैं, वो कहीं के नहीं होते, पूरी तरह से सब कुछ खो देते हैं। इसलिए कभी भी किसी सच्चे या शांत इंसान के साथ गलत नहीं करें। आप इंसान को बेवकूफ़ बना सकते हैं, आप इंसान से छल कपट विश्वासघात कर सकते हैं, आप इंसान के साथ अपनी चालाकी कर सकते हैं, लेकिन ऊपर वाले के साथ नहीं। इसलिए कभी किसी सच्चे इंसान को न तो बदनाम कीजिए, ना ही उसके साथ कोई गलत। जितना हो सके सच का साथ दीजिए, और नहीं दे सकते तो गलत का साथ तो बिल्कुल भी मत दीजिए। तो दोस्तों, अब मैं अतुल इजाज़त चाहूँगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दबाकर हमारे चैनल अतुल मोटिवेशन जोन को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।